मैंने आपको कल सुबह भी बताया था, आपको कई पत्रकारों से मैंने बात हुई थी कि माननीय सचिन जी पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं और सचिन जी पायलट शाम को फिर खबर डालेंगे कि सारे जब बाहर निकल के आएंगे तो मीडिया पूछेगा कि क्या रहा जी, तो उसमें ये की बात रहेंगे। वेणुगोपाल जी ने पहले भी हाथ खड़े करवाए थे, आज कल फिर करवा लिए, और मैंने आपको कल एडवांस बताया था कि माननीय सचिन पायलट जी कहेंगे कि अब हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे 2023 में। ये हालात तो है, आज भी मैं कह रहा हूँ कि सचिन जी को ये करना चाहिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हो उस हिसाब से करो जिससे आपका अगला भविष्य हो। आज आप कांग्रेस आप छोड़ नहीं सकते, कांग्रेस नहीं छोड़ सकते, तो आज मैं पहले भी बात कर अभी गए, आज अशोक गहलोत जी इतनी पावरफुल पावर रखते हैं कि आज सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कुछ नहीं करते, जो अशोक गहलोत कहेगा वही होगा। अभी आपने पूछा कि भाई इसको कमेटी के चेयरमैन बना सकते हैं, इसको प्रदेश अध्यक्ष बना दें, भाई जो टिकट देगा टिकट पर पावर नहीं रहेगी, क्योंकि टिकट अगर देगा तो अशोक गहलोत ही देगा, उसके अलावा किसी को और को पावर नहीं होगी। तो आप मान के चलो वो आदमी इतना दमदार है कि अपनी पावर रखता है, तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी इनकी लड़ाई खत्म हो, खत्म हो जाए अच्छी बात है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बात इस बात की है कि जो आज पब्लिक जो परेशान हो रही है वो हमें बहुत दुख है। तो ये भ्रांतियाँ फैलाने की जरूरत नहीं है, उनसे पूछो कि आरसीपी के क्या अगली बार फिर वही मुद्दा रहेगा, ट्रेन टॉक में जो ट्रेन लाएगा वही सांसद बनेगा, ये मुद्दा रहने वाला है। आप मुझे बताइए जिनको चाहिए कि अपने टिकट की परवाह करेंगे, इनको टिकट मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। ये अशोक गहलोत तो सचिन पायलट के चक्कर में काम बच गए, हमारी पार्टी की लड़ाई है, जो भी है प्यार है मोहब्बत है झगड़ा सब हमारी पार्टी के अंदर है, इनको चाहिए अपनी पार्टी को संभाले। वसुंधरा जी की 4-4.5 साल तक फोटो नहीं लगाई, ये काम पहुंच गए थे जौनपुरिया जी, कभी आवाज़ उठाई गई इन्होंने वसुंधरा जी के लिए? पूछो इनसे, 4.5 साल वसुंधरा जी के बर्थडे मनाने गए थे, कितने बजे गए थे बर्थडे मनाने, वो पूछो इनसे कि पहले सतीश पुणे के गए थे कि पहले बर्थडे मनाने गए थे, आप इनसे पूछो। कांग्रेस में जागने की जरूरत नहीं, पहले अपने गृहमान में जाके देखो। और सबसे बड़ी बात, चलो वो काम क्या क्या टोंक जिले के लिए बताओ मेरे को, पिछड़ा जिला तक घोषित कराने में नाकाम रहे, कोई केंद्रीय यूनिवर्सिटी आई है तो वो बता दो, कोई सेंट्रल स्कूल इन्होंने खुलवाया तो वो बता दो, चाहे वो जाटों में खुलाया हो चाहे गुजरों में खुलाया हो बता दो आप। मैंने पहले भी कहा था कि कोई यहाँ का लोकल गुजर होता तो उसको इस टोंक जिले की परवाह होती कि बाहर के हैं इनको कोई मतलब नहीं है, मोदी के नाम से जीत जाते हैं, बाकी ERCP जाए भाड़ में, ट्रेन जाए भाड़ में, इनकी तो इनको पूछो इन्होंने जो MP लेट का फंड था कितने परसेंट खर्च हुआ, मैंने एक्सपोज करके बताया 25 करोड़ में 13.5 करोड़ रुपए जनता ने दिया गया फंड है, जनता का फंड है, वो घर की दुकान नहीं। आज मैं फंड है मेरी घर की दुकान नहीं, जनता का पैसा है मैं जनता को देता हूँ। मेरा आज 5 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सर MLA को बिल्कुल सांसदों से ही बड़ा बना दिया, उनको 5 करोड़ रुपये 8 विधानसभाओं में खर्च करते हैं, हम एक ही विधानसभा में करते हैं, ये आते ना हाथ पैर जोड़ते ना प्रधानमंत्री जी के हमारा फंड बढ़ाओ 15 करोड़ करो, मगर जो 5 करोड़ का फंड है वही आदरणीय खर्च कर रहे हैं, ये क्या नैतिकता की बात करते हैं।